हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे महाराष्ट्र में बनने वाली पहली सेमी हाई स्पीड रेलवे जो बनेगी पुणे से नासिक इन दो शहरों के बीच। तो आज हम इस रेलवे के बारे में जानेंगे डिटेल में, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पुणे से नासिक जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर था उसे फाइनली मंजूरी मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये प्रोजेक्ट 235 किलोमीटर का है और डबल डेकर, इसमें डबल लाइन का ये प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें 24 स्टेशन होंगे। इसकी कॉस्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपए आने वाली है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होने वाला है। ग्रीन फील्ड का मतलब कि ये पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। यहाँ पहले से कोई ट्रेन ट्रैक मौजूद नहीं है। पूरी तरह से लैंड एक्विजिशन की जाएगी और इस पर ये नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2027 दी गई है, मतलब अगले 5-6 सालों में हमें ये कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम भी शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इसके लैंड एक्विजिशन का काम कर रही है। अगर आप लोगों को लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट किस तरह से लैंड एक्विजिशन करने के मुआवजा हमें देती है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। चाहे तो आप वीडियो के एंड में मैं आपको वीडियो दे दूँगा, चाहे तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये ट्रैक बनने के बाद इस पर जो फ्रेट ट्रेन्स होंगी वो अपनी पूरी क्षमता से दौड़ेगी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। और जो पैसेंजर ट्रेन होने वाली है वो लगभग 200 की स्पीड से इस ट्रैक पर दौड़ सकेंगी। इस रूट पर टोटल 24 स्टेशन्स होने वाले हैं और बीच में जो भी इकोनॉमिक जोन या फिर जो भी MIDC एरियाज है इन सबको एक कनेक्ट करने वाली है। तो इकोनॉमिकली बूस्ट हमें भी देखने को मिल सकता है इस एरिया में। MIDC एरियाज की अगर हम बात करें तो जैसे कि चाकन, सिन्नर, सातपुर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि खेड़, नारायणगांव एंड मैंचर, इन सबको एक कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट होगा। तो इसकी वजह से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और डेवलपमेंट भी इस रूट पर तेज़ी से होगी। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की मोटा मोटी खबर। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई अपडेट इस पर आती है। इस पर काम शुरू होने के बाद फिर से एक वीडियो इस पर बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।